1 अक्टूबर को चुनाव हरियाणा में है, इसमें पंजाब के किसानों का क्या रोल है भाई? पंजाब के किसानों का क्या रोल है? हरियाणा में वोटिंग होनी है 1 अक्टूबर को। ये बीजेपी को क्या प्रॉब्लम क्या है पंजाब के किसानों से, समझ में नहीं आ रहा। ये अपनी मतलब रणनीति नहीं छोड़ेंगे, इनको इतना डर क्यों लगता है एकता से, जो भाईचारा एकता बने है। हरियाणा में चुनाव की घोषणा होते ही बीजेपी कैसे फूट डालो राजद्रोह की रणनीति अपना रही है वो आपको दिखाएंगे। इनका असली चेहरा बिल्कुल सामने आ गया, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं इनका असली चेहरा क्या है। एकता में रह के इनको जवाब देना है। अब सुनो, इन्होंने एक सुरक्षा कवच हरियाणा बनाया है, कोई सुरक्षा कवच हरियाणा के नाम से एक टीम बनाई है सैनी साहब ने, नायब सैनी साहब अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब। सुरक्षा कवच हरियाणा के इसमें क्या है, खालिस्तानियों को रोकने के लिए जो दिल्ली के बीच मजबूती से खड़ा है हरियाणा, हरियाणा वाले साथ उठ के चलेंगे। जब क्या करोगे, जब क्या करोगे, जब ये हरियाणा के किसान उठ के साथ में चल पड़ेंगे उनके। आज हरियाणा में कांग्रेस आई तो खालिस्तानियों जिहादियों के हौसले बुलंद होंगे। हरियाणा में भी बांग्लादेश की तरह हिंदुओं पर अत्याचार होंगे। वाह कमाल शाबाश सैनी साहब, तालियों से स्वागत होना चाहिए आपका। हरियाणा आया कहां से सैनी साहब, पंजाब से ही तो निकला होगा ना, हरियाणा पंजाब से ही तो निकला है। वैसे आपको पता विनेश फोगाट की माँ का नाम क्या है सैनी साहब? विनेश फोगाट की माँ का नाम भी कौर है, आपको पता नहीं होगा, वैसे बता रहे हैं आपको, मोटा मोटा बता रहे हैं। आप जो सोच रहे हो ना, हरियाणा के ये अपना पिछोकड़ देख लेंगे ना, तीसरी या चौथी पीढ़ी में कोई कौर मिलेगी, कोई सिंह मिलेगा, कौर और सिंह मिलेंगे। अगर पीछे की तरफ देख लिया हरियाणा वालों ने, तो हरियाणा वालों को देखना चाहिए सभी को। इसमें सिर्फ हम ये नहीं कहते सिर्फ जाटों को, 36 की 36 बिरादरी को अपना पिछोकड़ चेक करना चाहिए। आप सिंह और कौर थे, आप सिंह और कौर थे। इनको जो प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा इनसे भी ज्यादा प्रॉब्लम अपना एक भाई है भाई, सुखबीर सिंह बादल। सुखबीर सिंह बादल के तो कहने ही क्या यार, उस बंदे को तो मतलब एक अलग ही टोन में रहता है, वो अलग ही टोन में रहता है, उससे बड़ा कोई योद्धा ही नहीं पंजाब में। ये बार बार एक बात बोल देता है सुखबीर बादल कि उनके भाई पिताजी ने ना 16 साल जेल काटी। कौन सी जेल में रहा था भाई वो 16 साल, कोई बता सकता है? पंजाब वाला कमेंट करके बता देगा क्या, 16 साल कौन सी जेल में रहा था भाई प्रकाश सिंह बादल? ये सुखबीर बादल बार बार ये बात बोल देता, 16 साल जेल काटी, होटलों में अपने खा के बिरयानी आराज आया करता है ना, होटलों में अपने मुर्गे चले हैं उसके, लेकिन 16 साल जेल काटी उसने, कमाल की बात होगी। अभी एक बार ना थोड़ा उसका सुनो, फिर बाद में बात करते हैं उसके ऊपर, और हाँ सैनी साहब आपके लिए भी बात करेंगे। बड़े कमाल की बात है सुखबीर बादल साहब, ये बताओ प्रकाश सिंह बादल कौन सी जेल में रहा था 16 साल, एक बार उस जेल का नाम बताओ, और कौन से 16 साल जेल के अंदर रहा था। अगर ये पंजाब इकट्ठा हो रहा है अमृतपाल सिंह के लिए, बंदी सिंहों के लिए, आपके पिताजी थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले थे कि बंदी सिंहों को बाहर नहीं आने देना, नहीं तो पंजाब का माहौल खराब हो जाएगा। प्रकाश सिंह बादल मिले थे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बंदी सिंह बाहर नहीं आने चाहिए, नहीं तो पंजाब का माहौल खराब हो जाएगा। एक बार पहले पता तो करो आपके पिताजी का क्या इतिहास रहा है, एक बार पहले पता कर लो थोड़ा सा, तब पता लगेगा आपको। एक तरफ तो हमारे सैनी साहब रो रहे हैं पंजाब वाले किसानों को, रोना ही कहते हैं इसको, आम भाषा में हरियाणवी में इसको रोना कहते हैं। जो पंजाब के किसान दिखाई देते, रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, फूट डालो राज करो बस,
ये खालिस्तानी है, ये कर देंगे, ये वो कर देंगे, फलान कर देंगे, ढिमकान कर देंगे। कौन सी बात है ये, कौन सी बात है ये? एक झूठी न्यूज और वायरल हो रही है भाई, अगर आपको ना पता हो ना तो सुन लेना। एक झूठी न्यूज वायरल हो रही है, एक भाई ने मेरे पास भेजी थी, उसका क्लियर कट करके मैंने उसको भेजा था। मैं कहा भाई ये झूठी है, फेंक न्यूज है ये, वो न्यूज फेंक क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। फेंक न्यूज कैसे फैलाते हैं? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसला लिया है जो पूरी तरह से सिख धर्म के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, अगर कोई भारत में राज करेगा करके खालसा कहे या सोशल मीडिया पर कुछ बोले तो उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर जेल में डाल दिया जाए। इस फैसले का विरोध करें और अपने हर सोशल साइट पर राज खालसा की प्रोफाइल फोटो लगाई जाए ताकि हाईकोर्ट का यह फैसला रद्द हो। यदि इसे रद्द नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब सतनाम श्री वाहेगुरु कहने पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। यदि आप सिखों से प्यार करते हैं तो इसे हर सिख तक पहुंचाए, अधिक से अधिक शेयर करें। ये न्यूज झूठी है भाई, ये सरासर झूठी है। राज करेगा खालसा, हम बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं ऐसी कोई भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ऐसा कोई भी फैसला नहीं है कि भाई राज करेगा खालसा बोलने पर आपको जेल हो जाएगी, ऐसा कोई भी फैसला नहीं है। तो कृपया करके ये झूठी न्यूज ना फैलाई जाए, ना फैलाई जाए। अभी हम बात कर रहे थे अपने सुखबीर सिंह बादल साहब की, बादल साहब तो भाई कमाल कर देते हैं, कमाल से भी आगे धमाल कर देते हैं। पता नहीं ये भाई न्यूज कहां कहां से लेके आते हैं, भगवान जाने, भगवान ही जाने। अपनी पार्टी नु शहीदां दी जथेबंदी कहंदे है क्योंकि शहादत देने वास्ते असी तैयार है, सिर झुकाउण वास्ते तैयार नहीं। वाह, जेडे लोग का एक साल जेल च नहीं कट सकदे क्योंकि थोड़े वास्ते जाना मार देंगे। एज अकाली दल दा प्रधान होने दे नाते मेरियां भी जिम्मेवारी है क्योंकि श्रोमणी अकाली दल कौम दी जथेबंदी है, कौम दी अगुवाई कर रही है। मैं नहीं चाहूंगा कि अपने नौजवानों नु मारिया जाए, मैं नहीं चाहूंगा। सबसे ज्यादा सिखों का गान तो किया ही है तुम्हारी पार्टी ने है, सबसे ज्यादा सिखों का गान किया तुम्हारी पार्टी ने। खुआ विच जहर भी किसने मिलाया था? सुखबीर बादल साहब बोल गया, याद है वो, पता तो कर देते हैं, एक बार अपने बापू जी से बात तो कर लेते हैं, उसने क्या क्या किया है मतलब पंजाब के लोगों के साथ है। पंजाब का सबसे ज्यादा नुकसान ही आप लोगों ने किया है। बीजेपी को पंजाब में लेके आने वाला कौन था? बादल साहब, बादल वहां आए हो गए, यहाँ ये चौटाला परिवार हो गया हरियाणा के अंदर। आप लोग ही तो लेके आए हो बीजेपी को हरियाणा और पंजाब के अंदर, नहीं तो इनका कोई अस्तित्व नहीं था हरियाणा पंजाब के अंदर। लोगों ने आपको ना पलकों पे बिठा के रखा था, पलकों पे। लेकिन आपने जो गान किया ना, अब तो सुनी होगी ना कहावत, तो सुनी होगी ना सुखबीर बादल साहब, धोबी का कुत्ता मतलब ना घर का ना घाट का। वो कहानी हो जाती है लोगों के साथ, हो जाती है वो कहानी जो अभी आपके साथ हो रही है। आप अमृतपाल के मारे रोने लग जाते हो, यहाँ ये हमारा किसानों का मारा रो रहा है सैनी साहब, इसको पता नहीं पंजाब के किसान क्या दिखाई दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किसी को। हद हो रखी है बिल्कुल ही, बिल्कुल ही हद हो रखी। मैंने इसलिए तो कहा था कि बड़े पोस्टर अगर लगाए जाते ना वहां पे, हाँ ठीक है गेट पर पोस्टर लगाए थे, गेट पर पोस्टर थे बंदी सिंह हो गए, जथेदार भाई जगतार सिंह अवारा के सबके फोटो थे, भेजे थे एक भाई ने मेरे पास। लेकिन अगर स्टेज के ऊपर लगाए जाते ना तो ऐसे लोग कम से कम मुंह तो ना खोल पाते, ऐसे लोगों का मुंह बंद हो जाता जो मुंह खोल रहे हैं अभी अमृतपाल के खिलाफ। आप लोगों की क्या राय है भाई, पंजाब के किसान क्यों हवा दिखाई दे रहे हैं हमारे सैनी साहब को? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।